राव श्री खेमाल जी राठौर का भक्त परिवार, जेतारण, जिला पाली। जोधपुर राज्य के संस्थापक राव श्री जादव जी ने अपने पुत्र राव श्री उदाजी को जेतारण फतेह करने भेजा। उन्होंने वहां के सिंधलों को परास्त कर संवत 1539 में अपना शासन स्थापित किया। वे परम भागवत थे। नाबाजी ने उनका 56105 में उल्लेख किया है। उन्हीं के वंशज अपने को उदावत राठौर कहते हैं। उदा जी के पुत्र थे राव खेमाल जी, यानी उनका नाम था खेमकरण जी। इनका जन्म भाद्र शुक्ल 11 संवत 1537 में हुआ। ये बड़े वीर थे। जोधपुर के राव मालदेव जी के समय में उन्होंने शेर शाह की विशाल सेना से जो इतिहास प्रसिद्ध युद्ध किया, इसके कारण विशेष रूप से इनके वीरों में सम्मान किया जाने लगा। विक्रम संवत 1600 में इनका शेर शाह के साथ दूसरा युद्ध हुआ। उसमें अपने 10,000 सैनिकों के साथ ये शेर शाह के 80,000 सैनिकों पर टूट पड़े और शेर शाह की फौज के छक्के छूट गए। विजय शेर शाह की अवश्य हुई, पर उनके थोड़े से ही सैनिक बचे। शेर शाह ने इस विजय को धिक्कारा और कहा कि खुदा का शुक्र है कि जान बच गई, वरना मुट्ठी भर बाजरे के लोभ में दिल्ली की सल्तनत खो बैठता। खेमाल जी जैसे ही वीर थे वैसे ही भक्त भी। इनकी भक्ति के संबंध में दो बातों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। एक तो यह कि बड़े संत से भी थे। एक सिद्ध संत इनकी सेवा और भक्ति भाव से प्रसन्न इनके घर रहने लग गए। वे इनकी तन मन से सेवा किया करते। जब उनका शरीरांत हुआ, इन्होंने संतों का बहुत बड़ा भंडारा किया। संत समुदाय को देख ये फूट फूट कर रोने लगे। बोले, मेरा बल, विद्या, बुद्धि, विवेक सब कुछ चला गया। अब मुझे कौन भक्ति का उपदेश करेगा? कौन मेरे मन मतंग को नियंत्रित करेगा? राजा को इस प्रकार धैर्य हारा और रोते देख संतों को दया आई। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आपके वंश में बिना किसी उपदेश के अविचल भक्ति सदा बनी रहेगी। संतों का उपदेश फलीभूत हुआ। उनके पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र सब बड़े भक्त हुए। उनके पुत्र थे रतन सिंह। नाबाजी की भक्तमाल की टीकाकारों ने भूल से खेमाल रतन को एक ही व्यक्ति माना है, जबकि ऐतिहासिक खोज से पता चलता कि ये दो व्यक्ति थे। राव खेमाल जी पिता थे और राव रतन जी उनके पुत्र थे। राव रतन जी के भाई राम रयन जी थे। उनकी रानी राजाबाई जी थी। राम रयन जी के दो पुत्र थे, किशोर सिंह जी और हरिदास जी। ये सब परम भक्त हुए। इसलिए पौत्र श्री हरिदास जी के 56 में नाबाजी लिखा कि खेमाल रतन राठौर की सुपर बेली मीठी फली। आश्चर्य की बात है कि नाबाजी ने बहुत बार एक ही 56 में 20-20 भक्तों का उल्लेख किया है, पर इस परिवार के अकेले ही 5 56 लिखे हैं। प्रत्येक व्यक्ति पर एक पृथक 56 लिखा है। निश्चय ही नाबाजी की दृष्टि में समूचा परिवार अपनी भक्ति के कारण आदर के योग्य था। राव खेमाल जी के संबंध में जिस दूसरी घटना का उल्लेख किया जाता है वह इस प्रकार है। संवत 1600 के युद्ध में घायल होने के पश्चात मरणासन अवस्था में इन्हें रोते देख के राम रयन जी ने इनसे पूछा, आपके रोने का क्या कारण है? आप तो परम वीर हैं, वीर गति को प्राप्त होने जा रहे हैं, आपको रोते देख मुझे आश्चर्य हो रहा है। इनका मैं इसलिए रहा हूँ कि मेरे दो मनोरथ अपूर्ण रह गए। पूछे जाने पर कौन से दो मनोरथ अपूर्ण रह गए? उन्होंने कहा, मेरी प्रबल इच्छा थी कि भगवान के लिए जल का कलश स्वयं सिर पर ढोकर लाऊं। दूसरी इच्छा थी भगवान श्री कृष्ण चंद्र के सम्मुख पैरों में घुंघरू बांध के नाचूं। ये मेरी दोनों इच्छाएं अपूर्ण रह गई। मैं बार बार सोचता था कि यह सेवा आज करूंगा, कल करूंगा, पर सोचता सोचता रह जाता। कदाचित मेरे राजा होने का अभिमान मेरे मन को ऐसा करने से टालता रहता था और मैं इसे समझ ना पाता था। यह सुन के सब लोग चुप रह गए। अब इसका उपाय क्या हो सकता था? और खेमाल जी के पौत्र श्री किशोर सिंह जी, जो उस समय बालक ही थे, बोल पड़े, दादाजी आप चिंता ना करो, मुझे आज्ञा दो, मैं इन दोनों सेवाओं को तब तक करता रहूंगा जब तक शरीर में प्राण रहेंगे। यह सुन खेमाल जी प्रसन्न हो के किशोर सिंह जी को छाती से लगाया और भगवान नाम स्मरण करते हुए सुखपूर्वक शरीर त्याग दिया। राव रतन जी का जन्म विक्रम संवत 1577 में भादोसुरी पंचमी को हुआ। संवत 1600 में खेमाल जी की मृत्यु के पश्चात ही 23 वर्ष की अवस्था में ये जेतारण की गद्दी पर बैठे। पिता की तरह ये भी महान वीर और भक्त थे। युद्ध स्थल में भी अपने धर्म का पालन करते थे। वीर एवं भगवत भक्त का चाहे शत्रु ही क्यों ना हो आदर करते थे। संवत 1610 में मालदेव की ओर से इन्होंने मेड़ते के राजा जयमल पर आक्रमण कर इन्हें युद्ध में परास्त किया।
जब इनके सामंत देईदास जयमल जी पर भाले से आघात करने लगे तो इन्होंने उन्हें रोक दिया, क्योंकि जयमल वीर और भगवत भक्त थे। संवत 1614 में अकबर ने चेतारण पर हमला किया। उस युद्ध में महान पराक्रम प्रदर्शित करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए। रतन सिंह जी एक सिद्ध संत गुदड़ बाबा के शिष्य थे। रतन सिंह जी की भक्ति और वीरता से चेतारण के लोग आज भी इतना प्रभावित हैं कि उन्हें देवतुल्य मानते हैं और प्रतिवर्ष इनका तिरुभाव उत्सव भक्तिपूर्वक मनाते हैं। चेतारण पर अकबर का कब्जा होने के पश्चात रतन सिंह के भाई राम रहन जी ने रामठ ग्राम में अपनी गद्दी स्थापित करी। ये इनकी रानी राजबाई और इनकी पुत्री तीनों परम भक्त थे। इनकी भक्ति का परिचय एक असाधारण घटना से चलता है, जिसका प्रियादास जी ने विस्तार से उल्लेख किया है। एक बार शरद पूर्णिमा की रात्रि को राम रहन जी ने रासलीला का भव्य आयोजन किया। रासलीला देखकर उनका भक्तिभाव इतना उद्वेलित हुआ कि वे सोचने लगे कि राजधारी श्री कृष्ण पर क्या न्यौछावर कर दें। उनकी सबसे प्रिय वस्तु थी उनकी रूपवती कन्या, उन्होंने उसी को उनसे ब्याह देना चाहा। भक्तिमती रानी और भक्तिमती कन्या दोनों ने इसको सहर्ष से स्वीकार किया। राम रहन जी ने कन्या का विवाह राजधारी श्री कृष्ण से कर दिया और प्रचुर धन संपत्ति दहेज में देकर उनको सर्वसंपन्न कर दिया। नाबाजी ने लिखा है कि इस प्रकार कलिकाल में राम रहन जी ने जो अपनी भक्ति का परिचय दिया उसके बारे में कोई नरक सोच भी नहीं सकता और भूख कोई छवे सके। दृष्टि जाए नाहिन धरी, कलयुग भक्ति करी कमान राम रहन की रिजु करी। एक बार राम रहन जी और उनकी रानी मथुरा वृंदावन गए। उदारतावश जितना धन ले गए थे सब ब्राह्मण विष्णु में बांट दिया और लौटने के लिए राह खर्च के लिए कुछ भी नहीं बचा। रानी ने अपने जड़ाऊ कंगन देकर कहा, इन्हें बेचकर राह खर्च के लिए धन जुटा लीजिए। राम रहन जी कंगन लेकर बेचने जाने लगे। मार्ग में मिल गए नाबाजी, उन्हें कुछ भेंट करना ही चाहिए। तो नाबाजी की सखी भाव की उपासना थी, यह जान के इन्होंने कंगन उनके हाथ में पहना दिए। नाबाजी को अपने घर ले गए रानी को उनके दर्शन कराने। उन्हें अपने कंगन पहने देख रानी बहुत प्रसन्न हुई, जैसे राजा वैसी रानी। नाबाजी को कंगन पहनाकर दोनों के आनंद की सीमा न रही, किसी से कर्ज लेकर फिर वे वापस घर लौटे। राम रहन जी के पुत्र किशोर सिंह जी ने दादा को वचन दिया था, उसे जन्म भर निभाया। राजा होते हुए भी सारा जीवन प्रतिदिन ठाकुर सेवा के लिए जल का कलश अपने सिर पर लाकर और प्रतिदिन श्री कृष्ण के विग्रह के सामने पैरों में घुंघरू बांध के नृत्य कर उनकी अभिलाषा पूरी करी और भक्ति का आदर्श उपस्थित किया। अभिलाष उभे खेमाल का ते किशोर पूरा किया, पायनी नूपुर बांधी नृत्य नगदर हित नाच्यो। राम कलश मन रली शीश ताते नहीं बाच्यो। राम रहन जी के दूसरे पुत्र हरिदास जी बड़े संतसेवी थे, उनका भजन भाव परिपक्व था। नाबाजी ने उन्हें भक्ति मंदिर का कलश कहा है। हरिदास हरिभक्त भक्ति मंदिर को कलशो, भजन भाव परिपक्व हृदय भागीरथ जलसो।